কারণ বাইক চালাতে এখন তেল লাগে না। সবার কিন্তু কিউরিওসিটি আছে কি হওয়া চলছে, তো বৃষ্টি বাদলের দিনে কি হবে আমি কিন্তু এই কোশ্চেন। স্বাগতম সবাইকে, বিচ রিঅ্যাকশনে আমরা চলে এলাম আবারও আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য। আর আজকে যে ভিডিওটি দেখব তার আগে, আচ্ছা তুমি বাইক চালানোটা শিখবে কবে? আমার দ্বারা হবে না, আমি সাইকেল চালানোই শিখতে পারছি না এখন। তোমাকে বাইক চালানোটা শিখতে হবে, কেননা বাইক চালাতে এখন তেল লাগে না। ঠিক আছে, কিন্তু এত দূর হোক আজ আমার জন্য, বাইক ওজন আছে অনেক বেশি, পাতলা হতে পারে। স্কুটিটা তো চালাইতে চাও না? সেটা দেখা যেতে পারে। তো আজকে আমরা যে ভিডিওটি দেখছি সেই ভিডিও টাইটেলটি হচ্ছে উই মেড আনলিমিটেড রেঞ্জ সোলার পাওয়ার ইলেকট্রিক বাইক। হ্যাঁ, ইলেকট্রিক বাইক, ইয়েস। আপনারা চাইলে অরিজিনাল ভিডিওটাও দেখে আসতে পারেন সেখান থেকে। আর চলুন সবাই মিলে আমরা ভিডিওটি দেখে আসি। এটা বলো না, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। हमने इस इलेक्ट्रिक बाइक पर सोलर पैनल, एक खास तरह का सोलर पैनल फिक्स कर दिया है, जिससे यह इलेक्ट्रिक बाइक दिन में चार्ज भी होते रहेगा, यानी डिस्चार्ज होने का कोई समस्या भी नहीं है। और इसमें एक खास तरह का किट का यूज किया है जिससे यह वोल्टेज और एम्पियर को इसको मेंटेन करते रहेगा, जिससे यह चलते हुए आसानी से चार्ज होगा। दोस्तों सबसे मजे की बात है कि यह जो सोलर पैनल है यह इसमें बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा, क्योंकि अगर दूसरा सोलर पैनल इसमें यूज करते हैं तो अच्छा से वर्क नहीं करेगा। तो इस सोलर पैनल और इस किट के बारे में, कनेक्शन के बारे में जानने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे विश्वास है आप सब मिलकर के इस वीडियो पर 60,000 से ज़्यादा लाइक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए ऐरा गैरा सोलर पैनल नहीं चाहिए होगा, इसे चलाने के लिए शार्क के जैसा पावरफुल सोलर पैनल चाहिए होगा। तो मैंने यूज किया है एक सोलर पैनल का जो अकेले ही 440 करता है। इस तरह के सोलर पैनल अमेरिका, चाइना, इस तरह के देशों में भी इस तरह का सोलर पैनल नहीं मिलेगा। इंडिया में केवल एक ही कंपनी के द्वारा यह सोलर पैनल बनाया गया है, उस कंपनी का नाम है लूम। नया पर शार्क सोलर पैनल लॉन्च किया है, यहाँ पर देख सकते हैं यह लूम कंपनी का ब्रांडिंग किया हुआ है और यहाँ पर यह दिखाया हुआ है यह कितना वाट प्रोड्यूस करता है। इस सोलर पैनल का एक और खास बात है कि अगर किसी कारण से इस सोलर पैनल के एक भाग में शेड चला आ रहा है तो तब भी यह सोलर पैनल अच्छा से वर्क करते रहेगा। ये सबसे इसका अच्छा बात है, क्योंकि बहुत बार जब हम लोग इस इलेक्ट्रिक बाइक को रोड पर ले जाएंगे तो ये छाँव में इसका कुछ भाग ढक जाएगा, जिससे इससे एनर्जी नहीं प्रोड्यूस होगा। तो यह इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा से वर्क करेगा। यह सोलर पैनल 45 वोल्ट प्रोड्यूस करता है और 10.5 एम्पियर प्रोड्यूस करता है, लेकिन हमें इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने के लिए लगभग 330 वाट चाहिए होगा, जो इस चार्जर पर दिया हुआ है, इस इलेक्ट्रिक बाइक के चार्जर पर। लेकिन यह सोलर पैनल तो 440 वाट प्रोड्यूस कर रहा है और साथ ही साथ यह 45 वोल्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए 73.5 वोल्ट चाहिए होगा। यहाँ पर यह किट वोल्टेज और एम्पियर को कन्वर्ट कर देगा, जिससे यह इजीली इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करते रहेगा। तो मैं सारा ही सेटअप कर लिया हूँ। तो दोस्तों मैं अभी सोलर पैनल को इस इलेक्ट्रिक बाइक को चार्ज करने के लिए लगा दे रहा हूँ, जिससे यह चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब यह चार्ज होना स्टार्ट हो चुका है, इस किट में से थोड़ा थोड़ा साउंड भी निकलता है। तो चलिए अब इसको लॉन्ग टूर पर ले चलते हैं और फिर देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन रह रहा है और साथ ही साथ यह कितना दूर तक चल रहा है। अभी यहाँ पर देख सकते हैं यह कितना किलोमीटर अभी दिखाई दे रहा है, 4218 किलोमीटर, और अभी यह फुल चार्ज है। तो हम लोग लॉन्ग टूर पर चलते हैं और फिर देखते हैं यह डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं। मुझे तो विश्वास है कि यह डिस्चार्ज नहीं होगा। तो दोस्तों अब मैं इसको
से आगे चल रहा है मैंने गाड़ी जमन चल रहा है तमन चार्ज जन और जना का बम वो गाड़ी से ये इलेक्ट्रिक बाइक मेरा सोलर पैनल से चल रहा है दोस्तों। इसमें सबसे मजे की बात है कि मुझे धूप नहीं लग रहा है इस और हवा भी मुझे बहुत ही मस्त लग रहा है क्योंकि धूप में जो हवा लगता है वो उतना अच्छा नहीं रहता है लेकिन छांव में जो हवा लगता है ना उसका मजा ही कुछ और है। बहुत ही मजा आ रहा है इसको चलाने में, धूप भी नहीं लग रहा है और साथ ही साथ चार्ज भी होते रह रहा है, डिस्चार्ज होने का कोई समस्या ही नहीं है। दोस्तों जो भी चीज खुद से बनाया हुआ रहता है ना उसे चलाने में या उसका यूज करने में तो बहुत ही मजा आता है। खूब एंजॉय करते हैं निजे तैरी करते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते, आप लोग जरूर से कमेंट कीजिए। कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और आपका कमेंट पढ़ने में तो मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलती है।
दोस्तों हम लोग बहुत घूम लिए, घूमते घूमते मैं थक गया हूँ और लगभग 100 किलोमीटर तक जा चुका है हमारा यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 100 किलोमीटर सोलर पैनल की मदद से। यहाँ पर देख सकते हैं कितना किलोमीटर जा चुका है, 4317 किलोमीटर। यह सोलर पैनल भी बहुत ही अच्छा से वर्क किया है, लूम कंपनी का सार्क मॉडल, बहुत ही पावरफुल सोलर पैनल है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी जाकर के परचेज कर सकते हैं। यह किट भी बहुत ही अच्छा से वर्क किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग साइंस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट साइंस वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। एक्चुअली इलेक्ट्रिक बाइक किंतु बाजार এখন अवेलेबल है, মানে স্কুটি যেটা ইলেকট্রিক চার্জ দিয়ে চলে এটা अवेलेबल। এখানে সে নতুন করে যেটা অ্যাড করেছে সেটা হচ্ছে সোলার প্যানেল, এবং রানিং অবস্থায় অনেকের হয়তো বা চার্জ শেষ হয়ে যায়, কিংবা একটা লং ডিসটেন্সে যখন যেতে চায় তখন হচ্ছে চার্জিং বাইক নিয়ে যাওয়া যায় না, কেননা সেক্ষেত্রে আসলে একটা রিস্ক থেকে যায় যে আমি বাকি রাস্তাটুকু কীভাবে আসবো। সেই ক্ষেত্রে যখন এই সোলার প্যানেল দিয়ে চার্জিং হবে, এই ধরনের বাইক নিয়ে যখন কেউ বের হবে তখন কিন্তু তাকে আর চার্জিংয়ের যে রিস্কটা আছে সেটা নিতে হচ্ছে না। তবে আমার কাছে একটা ব্যাপার যেটা মনে হয়েছে যে তার এখানে সব ঠিক আছে, ছায়ার ভেতরেও সে মোটামুটি চার্জ হচ্ছে, কিন্তু বৃষ্টি বাদলের দিনে কি হবে আমি কিন্তু এই কোশ্চেনটা প্রথম থেকেই করে আসছি, কারণ বৃষ্টি হলে তখন তো এটার উপর পুরোটাই ছায়া হয়ে যাবে আর বা পানি পড়বে, তো সেক্ষেত্রে কি এটা কিভাবে চার্জ নেবে, সেটা তো সেক্ষেত্রে অবশ্যই থেমে যাবে বা কোথাও না, তখন বাইকে যে ধরনের চার্জ থাকবে অলরেডি রিজার্ভ করা, তখন সেই রিজার্ভ চার্জ দিয়ে বাইকটা চলতে থাকবে, যখন আবার সূর্যের আলো পাবে তখন আবার চার্জ হওয়া শুরু করবে। যতক্ষণ আমি গাড়িটা চালাবো ততক্ষণ সে ব্যাটারি থেকে চার্জ নেবে না, সে পুরোটা আমার সোলার প্যানেল থেকে নিতে সক্ষম। যাক, তারপরও আমার কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে, একটু লেন্দি ছিল মাঝখানে যে সে 100 কিলোমিটার ঘুরেছে, সেজন্য সেটাকে সে একটু বড় করে দেখিয়েছে। অ্যাকচুয়ালি 100 কিলোমিটার ঘুরতে তো আসলে আরও বেশি সময় লেগেছে, হ্যাঁ, তারপরও সে এটাকে কিছুটা শর্ট করেছে, আর একটু শর্ট করলে ভালো হতো, ভালো হতো, হ্যাঁ। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটা ভালো লেগেছে, আর নতুন একটা জিনিস জানলাম, হ্যাঁ, সোলার প্যানেল দিয়ে ক্রিয়েশন ছিল সেটাও কিন্তু, কারণ সে একটা নতুন কিটও তৈরি করেছে যেটা থেকে সে কনভার্ট করে কিন্তু এনার্জিটা ইউজ করছে, এবং এখানকার যে স্ট্রাকচারাল ডায়াগ্রাম সেটাও কিন্তু তার নিজেরই তৈরি করা, কারণ এখানে সোলার প্যানেল বসানো, বাইকের সাইডে সেট করা, এটা টোটালি তার করা, সো সেক্ষেত্রে সে আমি বলবো ভালোই করেছে, হ্যাঁ, তার একটা নিজ ক্রেডিট দেওয়া উচিত আমাদের, এবং সে তো বলেছে যখন নিজে তৈরি করা বাইক চালানো হয় তখন আসলে মজাটাই অন্যরকম। যাই হোক, ওভারঅল ভিডিওটি ভালো ছিল, আমাদের ভালো লেগে, আর আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদেরকে লাইক করবেন এবং কমেন্টস করে জানাবেন আমাদের সঙ্গে বসে আপনারা আর কি কি ধরনের ভিডিও দেখতে চান। তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে, আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি।